स्वागत है आपका बीसीएन की खास पेशकश खास मुलाकात। सुबह सुबह जब मैं उठता हूं और आईने में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे कल से थोड़ा सा बेहतर दिखना चाहिए, लेकिन पता नहीं कुछ तो ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी खूबसूरती में चार चांद की जगह थोड़ा सा अमावस का चांद नजर आ रहा है। अमूमन ऐसा मेरे साथ तो होता है, लेकिन हम सबके साथ में ऐसा होता है, तो क्या करें। हमारे खूबसूरती को निखारने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए, और ऐसा ही कोई तरीका बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दीपाली ठाकुर, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एस्पायर एस्थेटिक की सर्वे सर्वा है, लोगों की खूबसूरती में चाहे स्त्री हो पुरुष हो उनकी खूबसूरती को निखारने का काम ही करते हैं। सबसे पहले मैं दीपाली जी से आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी है अब तक की, एक तो खूबसूरत सी मुस्कान आप चेहरे पे लिए हुए हमेशा रहती है, और मैं समझता हूँ कि इंसान की खूबसूरती जो है उसका सबसे बड़ा जो है खूबसूरती का गहना होती है, तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आपकी अब तक की जर्नी भी हमारे दर्शकों के साथ में साझा हो, प्लीज बताइए। पहले तो आपको दिल से शुक्रिया तारीफ के लिए। दूसरा है सर, जर्नी एज सच हर मेडिकल स्टूडेंट की जिस तरह से होती है, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा, उसके बाद में मेरा बहुत इंटरेस्ट था ये फील्ड में कि हर कोई खूबसूरत दिखे, ये मेरा बेसिक थॉट है इसके पीछे, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ दिखावा के लिए नहीं रहती है, वो अंदरूनी भी हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस देती है दैट इज़ व्हाट मोर इम्पॉर्टेंट। तो हर किसी को कॉन्फिडेंट होने का हक है, इसलिए हर किसी को खूबसूरत होने का भी हक है। कई आपके सामने जब आपने डॉक्टरेट की तो उसके सामने कई रास्ते आपके सामने खुले होंगे कि मैं कई एवेन्यूज होंगे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के भी आपके होंगे कि ये नहीं ये करें नहीं, तो इसमें से ये चूज करने में कई दिक्कत गई आपको ये करियर चूज करने में? हाँ हाँ बिल्कुल गई है। किसी को लगता था कि ये तुम क्या सैलून चलाओगी क्या, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते थे कि क्या तुमको सैलून चालू करना है डॉक्टर बन के, तो इस तरह के भी घर वालों से क्वेश्चंस आते रहे। बट आई वाज वेरी डिटरमाइंड कि बहुत लोगों को लो कॉन्फिडेंस रहता है, या एक एक लेवल के एक लाइफ के एक दौर में मुझे खुद में एक अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर मुझे बहुत इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स था, और जिससे जूझने में उससे उभरने में कितनी मुश्किल होती है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए मेरी ये छोटी सी कोशिश हमेशा रहती है कि जब भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आते हैं मेरे पास, मैं उनको बोलती हूँ कि आप ऑलरेडी खूबसूरत हो, मुझे बस उसमें थोड़ा सा टचअप करना है, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं उनके वो कॉन्फिडेंस में जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहीं ना कहीं बूस्ट होता है, जब जैसा आपने कहा कि वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये अपने आप में एक इंसान की जो पर्सनलिटी है उसको पीछे लाने के लिए बहुत ही एक घातक। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो ट्रीटमेंट जो आप करती हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं और आपने कहा कि लोगों ने आपको कहा, आपके घर वालों ने खुद कहा कि आप क्या सैलून चलाने वाली हो, तो ये सैलून और कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट चलाना, एक ऐसा क्लिनिक चलाना जो लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है, इसमें क्या फर्क आप महसूस करते हैं, क्या फर्क आप लोगों को बताना चाहें? बिल्कुल, ये इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। सैलून में जो चीजें की जाती है दैट इज समवट ग्रूमिंग, और हम जो करते हैं वो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है, मतलब स्किन को अंदर से अच्छा करने की, नेचुरली खूबसूरत करना है वो काम हम करते हैं। सैलून में वो जो एक्चुअल में खूबसूरत है उसको और निखारते हैं, वो थोड़ा उसमें डिफरेंस है। हम लोगों का पूरा मेडिकेटेड जो ट्रीटमेंट्स होती है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांस ट्रीटमेंट्स यूज़ करके हम स्किन का टेक्सचर, टोन, कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीजें इम्प्रूव करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सैलून की जो ट्रीटमेंट होती है वो टाइम बीइंग होती है उतने समय के लिए, और आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो एक प्रोलॉन्ग्ड वे में इफेक्टिव रहती है। एग्जैक्टली। इसलिए मैंने कहा कि वो अंदरूनी जब चीजें अच्छी हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म साथ चलती है, डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, क्या क्या ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं हमारे पेशेंट्स को जो आपके यहाँ आते हैं? हमारे यहाँ पे मोस्टली पेशेंट्स आते हैं जो यंगस्टर्स, टीनेजर्स जिनको बोलते हैं, वो एक्ने, पिगमेंटेशन, एक्ने से होने वाले स्कार्स, और ये सारी ट्रीटमेंट, ये सारी कंप्लेंट्स लेकर मोस्टली टीनेजर्स आते हैं। थोड़ा एज ग्रुप 30-40 की तरफ जाते हैं तो फाइन लाइंस, जैसे स्टार्ट हो झुर्रिया या रिंकल जिसको बोलते हैं, उसका स्टार्ट जो रहता है जिसको फाइन लाइंस बोलते हैं, ये कंप्लेंट लेकर लोग आते हैं।
यही सेम एज ग्रुप या थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लोगों को पिगमेंटेशन, जिसको हम झाइया या मेलेज्मा बोलते हैं, वो एक मेजर कंप्लेंट आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल में भी होती है, मेल में भी होती है। सेकंड उसके बाद आता है हेयर कंप्लेंट, जो हेयर लॉस मोस्टली होता है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट होता है, हेयर थिनिंग लोगों में होता है। तो ये सारी लाइफस्टाइल, हमारा जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल है उसके कारण जो हमारे दुष्परिणाम बॉडी पे, स्किन पे, हेयर पे हो रहे हैं, उसके लिए पेशेंट्स आते हैं। एक आम धारणा है कि खूबसूरती का जो ठेका है वो सिर्फ महिलाओं ने लेके रखा हुआ है और पुरुषों का इससे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं आता। तो क्या ये फर्क आपको आपके ट्रीटमेंट या आपके पास में जो इनफ्लो जो है पेशेंट्स का उसमें आपको दिखाई पड़ता है, या मेल पेशेंट्स भी आते हैं? नहीं सर, बिल्कुल मेल पेशेंट्स भी उतने ही नंबर में हैं जितने फीमेल पेशेंट्स हैं। रादर कभी कभी हेयर कंप्लेंट लेकर मेल पेशेंट्स ज्यादा है कंपैरेटिवली फीमेल। क्या क्या प्रिकॉशंस आप समझती हैं कि लोगों ने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए लेनी चाहिए? सर सबसे पहले तो आपको अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करना है। लाइफस्टाइल में दो इम्पोर्टेंट चीजें आती है, आपका डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड चीज़ आती है स्लीप। उसके बाद अगर कॉस्मेटिक से, कॉस्मेटिक या रूटीन रेजिम जिसको बोलते हैं, स्किन केयर या हेयर केयर रेजिम, स्किन केयर में सबसे पहले आता है सनस्क्रीन, उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा फेस वॉश जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपके स्किन के अकॉर्डिंग एक नाइट केयर सीरम जो आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो और स्किन को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। वही हेयर केयर में भी सेम चीज़ें हैं, आपका डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बाद में एक हल्का वंस इन अ वीक एक मसाज बहुत ज़रूरी होता है उसमें, हेयर में अच्छा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, हेयर केयर, हेयर रीग्रोथ सीरम्स भी बहुत अच्छे आते हैं, वो आप रूटीन में आपके इंक्लूड कर सकते हैं। आम भाषा में अगर मैं आपको कहूं कि कई लोग ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट तो करना चाहते हैं, खूबसूरत भी दिखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एस्थेटिक यानी क्या यही नहीं समझ में आता, तो एस्थेटिक की व्याख्या किस तरह से करेंगे? बिल्कुल सर, एस्थेटिक की व्याख्या इस तरह से की जाती है कि स्किन में जो फ्लॉज है वो स्किन का टिश्यू को पकड़ के इम्प्रूव किए जाए। मतलब स्किन की लेयर्स होती है, उसके नीचे मसल्स होती है, ये सब को जब इम्प्रूवमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कुछ साइंटिफिक मेडिसिन, साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स, उसके मदद से जब हम उसको इम्प्रूव करते हैं उसको एस्थेटिक्स कहा जाता है। अब डॉक्टर दीपाली जी, हमारे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनमें से हर एक के मन में सवाल होगा कि मैं अब जितना खूबसूरत हूँ या मैं अगर मुझे और मेरी खूबसूरती में निखार लाना है, तो उन्हें अगर डॉक्टर दीपाली ठाकुर के पास में आना है तो उन्हें कहाँ आना चाहिए? हमारा क्लिनिक है अजनी, एकदम वर्धा रोड जो है वहाँ पे, अजनी मेट्रो स्टेशन के बाजू में ही क्लिनिक है, एग्जैक्ट अपोजिट टू टाटा क्रोमा, एस्पायर एस्थेटिक स्किन हेयर लेजर क्लिनिक के नाम से। दूसरा, खूबसूरती के मायने सिर्फ चेहरा या हेयर या इसके अलावा भी और कोई इसमें जो हम शरीर के अंग है उनका भी हम ट्रीट करते हैं, या स्पेसिफिक अपना कुछ चेहरा और हेयर तक ही सीमित रहता है? नहीं नहीं, सभी कुछ। खूबसूरती बोलने पर बहुत लोगों को, जैसे मॉडल्स को देखते हैं हम, तो हर पार्ट उनका उतना ही परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब हाथ अगर टैन हो या ब्लैकिश हो और फेस आपका बहुत फेयर हो तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। नेक आपकी बहुत ब्लैकिश कलर्ड हो, पिगमेंटेड हो, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। कहीं पे स्कार्स हो जाते हैं, कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लाइफ में तो स्कार्स छूट जाते हैं, वो स्कार्स से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। या हम बोल सकते हैं कुछ इंडस्ट्रीज भी है, फॉर एग्जांपल जिन बच्चों को एयर होस्टेस या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जाना है तो उन लोगों के लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो स्कार्स को या वो पिगमेंट्स को, डार्कनिंग को ट्रीट करें। आपने जो बात कही उस पर से मुझे एक बात बिल्कुल याद आई, आजकल तो हर घर में एक प्रोडक्शन हाउस है, आजकल की यंग जनरेशन अगर आप देखेंगे तो हर कोई एक रोज एक ना एक रील बनाता है। बिल्कुल,
सभी को खूबसूरत जो दिखना होता है तो कहीं ना कहीं खूबसूरती तो होनी ही चाहिए बिल्कुल, और खूबसूरती का इजहार भी होना चाहिए, और इस इजहार को और बेहतर बनाने के लिए हमें डॉक्टर दीपाली ठाकुर के पास में जरूर जाना चाहिए। चलते चलते डॉक्टर दीपाली जी, आप हमारे दर्शकों को क्या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि उनके शरीर की खूबसूरती तो बनी रहे, उनके मन की खूबसूरती भी बनी रहे। बहुत सही बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। शरीर की खूबसूरती सच में जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही आपके मन की खूबसूरती भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमेशा बहुत हंसते रहिए, प्यार से सबके साथ बिहेव कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है काइंड रहे, एक दूसरे की मदद करें, आप अपने आप खूबसूरत बनते जाएंगे। एक और चीज मैं आपको चलते चलते पूछना चाहूंगा, वो ये है कि जब आपके पास में पेशेंट आते होंगे जिनको लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है, तो उनको ट्रीट करते हो कहीं ना कहीं आपको उनके पेरेंटल गाइडेंस या मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती होगी, वो भी आप यकीनन आप देते होंगे, तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत, हाँ बहुत ज्यादा, बहुत सारे आते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो IIT से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनको कितनी तकलीफ है अंदर से कि मैम मेरा चेहरा बहुत डार्क दिखता है, बहुत सारे एक्ने स्कार्स हैं। मैं उनको बच्चों को बोलती हूँ कि तुमने IIT क्रॉस कर लिया है बेटा, यही सबसे खूबसूरत बात है, इससे और खूबसूरत क्या हो सकता है। तुम्हारी लाइफ में इतना सारा डेडिकेशन देके, इतना पढ़ के तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, चलो इसमें हम थोड़ा सा आपकी ऑलरेडी खूबसूरती में थोड़ा सा एडिशनल ऐड करते हैं और तुम्हारे स्कार्स दूर करते हैं, तो तुमको और अच्छा लगेगा, बस इतना ही। बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर दीपाली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते करते। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि अगर आप खूबसूरत है तो उस खूबसूरती को बरकरार रखें, अगर आप खूबसूरत नहीं है, आपने कम समझते, तो उस खूबसूरती में निखार लाने के लिए बहुत सारे रास्ते, एक प्यारा सा रास्ता है डॉक्टर दीपाली ठाकुर के यहाँ जो एस्पायर एस्थेटिक है, जहाँ खूबसूरती को और निखारा जाता है, इसका हम जरूर लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों से बात किया स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर।